हाय गाइस, पेशेंट हैं वेस्ट बंगाल से। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा, बोला सर मेरे पाँव में जख्म है और वो 7 साल से हील नहीं हुआ है। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखे जिसमें आपने तो बहुत बड़े बड़े जख्म हील कर दिए, तो ये तो बहुत छोटा है। तो सर मैं आ जाऊँ आपके पास में? मैंने पेशेंट से बोला आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स है पुरानी वाली वो देखो, दिखाओ मुझे, सेंड करो, क्योंकि 7 साल हो गए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जाँच तो हुई होगी। तो पेशेंट ने मुझे सारी रिपोर्ट्स भेजी। रिपोर्ट देखने के बाद में मैंने उनको बोला कि आप मेरे पास मत आओ क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट केस है। क्यों डिफिकल्ट है समझ लेते हैं। देखिए, पेशेंट को पाँव के यहाँ पर, ये बाय द वे पेशेंट का एंकल है, एंकल मतलब घुटना, एडी, एडी वाला पार्ट है, एडी के वहाँ पर पेशेंट को ये छोटा सा मतलब जख्म जैसा बन गया जो कि 7 साल से भरा नहीं है। अभी ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि पेशेंट को जब मैंने उनकी रिपोर्ट देखी तो पता पड़ा उनको खून की नसों के अंदर कमजोरी है, उसके अंदर लीकिंग है। क्या है वो समझ लीजिए पहले। अगर हम लोग दूसरा डायग्राम देखेंगे तो हम लोगों के पाँव के नीचे इस तरह की नसें होती हैं दोनों साइड में, राइट। अब इन नसों के अंदर जो ये वाली नस होती है जो कि खून को नीचे से ऊपर लेके जाती है, इन नसों का काम यही होता है कि ब्लड को ऊपर लेके जाना, ऊपर जाके हार्ट के अंदर छोड़ देना, फिर हार्ट वापस से खून को आर्टरीज के थ्रू नीचे भेजता है। तो वेन्स खून को ऊपर लेके जाती है, आर्टरी नीचे लेके आती है। अभी जो वेन होती है, अगर मैं इनको स्किन हटाकर देखूंगा कि कैसी दिखती है, तो ये कुछ इस तरह की दिखाई पड़ेंगी। देखिए इस डायग्राम में, राइट। सो जो नीले रंग की दिखाई पड़ रही है ये सब वेन्स कहलाती हैं, VEIN, वेन्स, और इनका काम ब्लड को ऊपर लेके जाना होता है। जब ये ब्लड को ऊपर लेके जाती हैं तो इनके बीच बीच में वॉल्व्स बने होते हैं, वॉल्व, VALVE, वॉल्व्स। उन वॉल्व्स का काम ये होता है कि वो ब्लड को वापस पीछे आने से रोकते हैं, राइट। तो इसकी वजह से ब्लड इसमें ऊपर चढ़ता रहता है और फिर वो हार्ट या आपके हृदय के अंदर पहुंच जाता है, राइट। और फिर वो वापस कैसे आता है? लाल रंग की आर्टरीज से, राइट। सो ये जो वॉल्व्स हैं, अगर इन वॉल्व्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये जो ब्लड ऊपर जा रहा है ये ऊपर नहीं जाएगा और ये यहाँ पर ही इकट्ठा रहेगा इन नसों के अंदर। नीली रंग की जो नसें हैं इनके अंदर टेंशन क्रिएट कर देगा। जैसे कोई मोटर होती है, उसके वो पानी फेंक रही है और आप उसके आगे उंगली लगा देंगे तो कैसे वो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। सिमिलरली जब वॉल्व्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, खून ऊपर नहीं जा पाता, तो यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और प्रेशर बिल्डअप होने के बाद में फिर धीरे धीरे समय के साथ में यहाँ से खून का लीकेज स्टार्ट होता है। लीकेज मतलब बहुत ज़्यादा लीकेज नहीं, बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लीकेज स्टार्ट होता है। और वो लीकेज जो होता है, क्योंकि ये जो वेन्स होती है एकदम स्किन के नीचे होती है, अगर आप पोजिशन देखेंगे इनकी तो एकदम स्किन के नीचे दिखाई भी पड़ रही है पेशेंट को यहाँ पर वेंस, तो यहाँ लीकेज स्टार्ट होता है और वो जो लीकेज होता है वो चमड़ी के यहाँ पर धीरे धीरे आके जमने लगता है। जमने की वजह से वहाँ की जो चमड़ी होती है वहाँ पर पेशेंट को खुजली महसूस होती है और वो स्किन जो होती है वो नॉर्मल स्किन कैसी मुलायम होती है, बट मुलायम की जगह वो कड़क होने लग जाती है। कड़क इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाता है, राइट। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डर्मेटोस्क्लेरोसिस। डर्मेटोस्क्लेरोसिस होने के बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग है, खुजली होती है, पेशेंट इसको खुजली करता है। खुजली करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जख्म बन जाता है और जख्म बनने के बाद में वो अल्सर बन जाता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना, जो कि इस पेशेंट को बन गया है। अब आंसर, सवाल, सर तो प्रॉब्लम क्या है? अल्सर बन गया है तो ठीक कर दो ना। तो देखिए, अगर सपोज मैंने कुछ ट्रीटमेंट करके पेशेंट को PRP थेरेपी देके या कुछ बैंडेजिंग करके भी इसको ठीक कर दिया, तो जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अल्सर बना था वो तो ठीक नहीं हुई ना। मतलब वो प्रॉब्लम क्या थी? वो ये थी कि पेशेंट को जो वेंस है, वेंस के वॉल्व के अंदर प्रॉब्लम है। तो वेंस के वॉल्व के अंदर प्रॉब्लम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक अल्सर भी ठीक नहीं होगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, फिर वेंस के वॉल्व की प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए ना। तो देखिए, ये जो वेंस के वॉल्व की प्रॉब्लम होती है ना, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। और ये ट्रीटमेंट कर भी देते हैं हम लोग, लेज़र थेरेपी से वॉल्व्स को गला देते हैं या वेंस की स्ट्रिपिंग कर देते हैं, तो भी उसके रिजल्ट कितने अच्छे होते हैं ये क्वेश्चनेबल है। इसके लिए जो भी वैस्कुलर सर्जन होता है, आपको उनसे समझना होगा कि अगर हमने ये सर्जरी कर ली वेन के वॉल्व्स को ठीक करने के लिए या फिर वेन्स में जो लीकेज है इसको ठीक करने के लिए, तो क्या हमारा वोन ठीक हो जाएगा? तो सर्जन आपको यही बोलेगा, देखिए 20-40% चांसेस है कि वोन ठीक हो जाएगा या नहीं भी हो सकता। तो ये डिस्कशन आपको सर्जन से करना चाहिए, राइट। ये पेशेंट को मैंने मना इसलिए कराया कि सपोज मैं पेशेंट का वोन ठीक कर देता PRP थेरेपी देके, बट PRP थेरेपी जो होता है वो मैजिक नहीं होता है। वो ऐसा नहीं है कि पेशेंट आ जाए मेरे पास, पास में पेशेंट कोलकाता वेस्ट बंगाल से, वो कोटा आएगा मेरे पास PRP थेरेपी लेने के लिए। PRP थेरेपी वोन के केसेस के अंदर हर 7 दिन में देनी होती। सो सवाल ये है कि सर PRP थेरेपी देके इस वोन को ठीक नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली इस वोन को PRP थेरेपी देके ठीक कर सकते हैं, लेकिन PRP थेरेपी लेने के लिए पेशेंट को हर 7 दिन में मेरे पास आना पड़ेगा। पेशेंट वेस्ट बंगाल से है और वेस्ट बंगाल से वो हर 7 दिन में नहीं आ सकता है, और सपोज अगर वो यहाँ रहता भी है तो सिर्फ सिंपल PRP थेरेपी के लिए वो यहाँ पर रहेगा, और वो PRP थेरेपी 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, 7 साइकिल तक लग सकती है। 2 मंथ तक पेशेंट को रहना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो मैंने पेशेंट को यही समझाया कि देखो PRP थेरेपी इज़ वन ऑप्शन,
डेफिनेटली ट्रीटमेंट ये केसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने के, लग छोटे रहे लेकिन डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूँ, राइट, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो आप PRP अगर चाहते हो तो आप मेरे पास मत लो, आप वेस्ट बंगाल में जहाँ पे रहते हैं वहीं पर ही ले लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। और सेकंड थिंग, तो आप वेस्कुलर सर्जन जो कि स्ट्रिपिंग वगैरह करते हैं उनसे एक बार मिलो, उनसे ये पूछना कि वेस्कुलर सर्जरी करने के बाद में कितना परसेंट चांस है कि मेरा बोन ठीक हो जाएगा, राइट। सो ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं जो कि मेरे को भेजते हैं, और जब मैं उनको मना करता हूँ तो फिर वो उनको गुस्सा होता है कि सर आप क्यों मना कर रहे हो, हम तो बहुत उम्मीद से आपके पास आना चाहते थे। तो मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि यार देखो, आप उम्मीद से मेरे पास आना चाहते हो, बट मेरा काम ये है कि आपको रियलिटी बताना, राइट। जो चीज़ डिफ़िकल्ट है उसको डिफ़िकल्ट बताना, जो चीज़ ईजी है उसको ईजी बताना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रीट करने के लिए उसको डिफ़िकल्ट उसको वही बताना। ऐसे दूसरे पेशेंट थे, उन वो शायद छत्तीसगढ़ से थे, उनके फादर के पाँव में वुंड था, उसके लिए कंसल्ट कर रहे थे, और उन्हें खुद ने ही बोल दिया कि सर मेरे को PRP थेरेपी लेना है। मैंने उनको बोला आपके फादर PRP क्लिक के प्रॉपर कैंडिडेट नहीं है, और आपको फ्लैप सर्जरी या ग्राफ्टिंग करानी चाहिए। तो उन पेशेंट को भी लगा, नहीं सर मैं इतना सोच रहा था आपके पास आऊँगा और ये करूँगा, लेकिन डेफिनेटली आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कौन डॉक्टर चाहेगा कि उसके पास पेशेंट नहीं आए, आप आओगे तो मेरे को पैसे ही मिलेंगे, राइट। लेकिन आपको भी कुछ रियलिटी पता होनी चाहिए और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सो दैट इज़ ऑल, थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।